अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अगर एचटीएमएल का कोई पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, कोई असाइनमेंट आपको मिली हुई है और वो आपने अपलोड करनी है किसी एक जगह पे, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। एक तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कोई पेड आपकी यूज़ कर लें सर्विसेज, लाइक ए टू होस्टिंग है, आप पेड होस्टिंग सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर लें। अगर आप फ्री करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हिरोको को यूटिलाइज कर सकते हैं। हिरोको जो है ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। ये आपको फॉर टेस्टिंग जो है वो एक अपना वर्चुअल कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर देता है, और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो फ्री वाला है कि वो 512 MB रैम होगी उसकी मैक्सिमम, और वो 30 मिनट्स की इनएक्टिविटी पे स्लीप मोड में चला जाएगा, एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिकली जो वो क्रिएट होगा। तो ऑल व्हाट यू कैन डू इज के आप इसके ऊपर एक सब डोमेन के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट करवा सकते हैं। ये मैंने कुछ एप्लीकेशंस मेरी होस्ट हुई हुई हैं। हिरोको की CLI है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, बट रेयरली हम इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे क्योंकि मैं हिरोको को आपको गिटहब के साथ एडजस्ट करना सिखा दूंगा। इसके कई पर्पजेज ये हैं कि एक तो आपको गिटहब यूज करना आ जाए, और गिटहब के साथ साथ आप इसको हीरो को उसके साथ लिंक करना सीख लें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब आपको करना एक्चुअली ये है कि यहाँ पे आके एक नई ऐप क्रिएट करनी है हीरो के ऊपर। न्यू ऐप, क्रिएट न्यू ऐप। इसको मैं फर्स्ट मन स्टैक के नाम से, ये कोड, ये सब डोमेन मेरे पास अवेलेबल है। यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप में से कुछ सिलेक्ट कर लें अपना डेटा सेंटर, तो ऐप क्रिएट कर लें। ये ऐप आपकी क्रिएट हो गई। इनिशियली इस ऐप के ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये लोगों का अपना एक पेज है, और डॉक्यूमेंटेशन को आप देख सकते हो जाके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप हीरोको की गेट हीरोको CLI यूटिलाइज कर लें, गिटहब को कनेक्ट कर लें, और या कंटेनर रजिस्ट्री यूज कर लें, हीरोको CLI अगेन यूज करें। तो हम क्या करेंगे, हम गिटहब को यूज कर रहे होंगे। गिट क्या चीज है? गिटहब की ये वेब एप्लीकेशन है। गिट बेसिकली कमांड लाइन टूल है, जिस कमांड लाइन टूल के अंदर आप रहते हुए अपने कोड की मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने बेंचमार्क्स लगा सकते हैं कि आपने इस स्टेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपका कोड यहाँ तक है, नेक्स्ट स्टेज में आपने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया है उसके अंदर, और आपने कुछ टाइप कर लिया है इसके अंदर, तो ये वाला कोड अब पिछले कोड से थोड़ा डिफरेंट है। तो गेट क्या करता है, वो बेंचमार्क्स लगा देता है। आज आपने कितना काम किया है, नेक्स्ट आपने कितना काम किया है, उससे आगे आपने कितना काम किया है, तो आप रिवर्ट बैक कर सकते हो कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर फ्रॉम वन टू अनदर। आपने करना ये है कि गिट की भी कमांड लाइन है, आप कमांड लाइन यूटिलाइज ना करें, आप ये टूल एक डाउनलोड करें गिटहब डेस्कटॉप का। ये मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, आप भी इंस्टॉल कर लें। आप नई रेपो क्रिएट करें, रेपो का कोई नाम रख दें, फर्स्ट मन स्टैक फोल्डर, उसे बता दें किस फोल्डर के अंदर इसको क्रिएट करना है रेपो को। रीडमी से इनिशियलाइज करवा दें, ना करवाएं कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये चीजें हम बाद में कर लेंगे। माय फर्स्ट मन डिप्लॉयमेंट, इसकी आप डिस्क्रिप्शन दे दें, कोई डिस्क्रिप्शन दे दें, और इसको आप क्रिएट करवा दें। रेपो क्रिएट होगी ऑनलाइन, इसको आप पब्लिश कर दें। कोड को प्राइवेट रखना चाहते हैं प्राइवेट रख लें, पब्लिक रखना चाहते हैं पब्लिक रख लें, मैं इसको पब्लिक ही रख देता हूँ। पब्लिश रेपो। ओके, जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, ये अभी पब्लिशिंग फेज के अंदर है, इसने एक्चुअली क्या किया, इसने एक्चुअली आपको एक तो फोल्डर क्रिएट कर दिया है आपके स्पेसिफाइड लोकेशन के अंदर, और उसके अंदर उसने एक डॉट गेट एट्रीब्यूट्स की फाइल रखी है। सेकेंडली, इसने आप इस फोल्डर को व्यू स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लें, ये व्यू स्टूडियो कोड के अंदर मैंने इसको वहीं से ओपन कर लिया, या उस फोल्डर को वैसे ही ओपन कर लें। ओके, ये मेरा पिछला खुला हुआ था वो मैंने बंद कर दिया। आप इसको व्यू ऑन गिटहब करें,
आपका जो भी अकाउंट है, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उस अकाउंट के ऊपर आपकी ये रेपो आ जाएगी। इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल है वो क्रिएट कर देता हूँ, H1 माई फर्स्ट हीरो को डिप्लॉयमेंट, एक CSS की फाइल भी अटैच कर लेते हैं, स्टाइल्स डॉट CSS। इसको हम इसके अंदर मैं H1 का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको लिंक के टैग के साथ कंबाइन कर देता हूँ CSS को। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो आपको राइट क्लिक करें, आपका ये वाला फर्स्ट पेज जो है ये आ जाएगा। नाउ लेट्स सपोज कि ये लोकल है आपके पास एंड यू वांट टू डिप्लॉय इट ऑन हिरोको। हिरोको के ऊपर आपने एक ऐप ऑलरेडी क्रिएट की हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, अब वापस आए जरा गिटहब के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जितने भी चेंजेस हैं वो उसने डिटेक्ट कर ली हैं, और वो आपसे अब कह रहा है कि आप इसको बेंचमार्क कर लें। आप इसका कोई नाम रख लें, फर्स्ट कमिट इसका नाम फॉर एग्जाम्पल रख लें। इसको कमांड लाइन से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कमांड लाइन के ऊपर मैं अभी नहीं आऊंगा। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे अगर आपके पेज के ऊपर, तो अभी इसके अंदर वो फाइल्स नहीं है क्योंकि वो लोकली कमिट हुई हुई है, सर्वर पे नहीं है। आप इसको सर्वर पे पुश कर दें। ओके, अब आप इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और CSS स्टाइल्स डॉट CSS की जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई है। ओके, हिरोको के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसको कनेक्ट करें, गिटहब कनेक्ट कर लें, और गिटहब के ऊपर आप यहाँ पे रेपो का नाम दे लें, और आपकी मेरी रेपो का नाम जो है वो ये है कि मैंने गिटहब इसके साथ ऑलरेडी एसोसिएट किया हुआ है अपना। ओके, वो मैंने यहाँ पे रेपो का नाम दे देता हूँ, फर्स्ट डैश मर्न डैश स्टैक, सर्च कर लेते हैं, सर्च हो गई, इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली अब गिटहब को कनेक्ट कर रहे हैं अपने हिरोको के साथ, हिरोको ने इसको डिप्लॉय कर दिया। एक्टिविटी फीड के ऊपर मैं आता हूँ, हिरोको ने इसको डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन इसकी लॉग्स जब हम चेक करेंगे इसको, अब आप हिरोको वाले पेज को जो आप पहले हमने देखा था ऐप को रन करके, तो वो हिरोको का डिफॉल्ट आया था, इसको रिफ्रेश करें, अब एक्चुअली वही पेज आ रहा है इसका, फर्स्ट मंथ स्टैक जो है आपका वो वही वाला पेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हिरोको को पता नहीं चला कि आप किस बैकएंड टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आपने करना ये है कि दो नई फाइल्स क्रिएट करनी है। एक फाइल का नाम होगा कंपोजर डॉट जेसन, और इसके अंदर जस्ट एम्प्टी ब्रेसेस लिख दें आप। दूसरा इंडेक्स डॉट पीएचपी। हम एक्चुअली डॉस दे रहे हैं हिरोको को, और हिरोको को कह रहे हैं कि यार एक्चुअली मेरे पास जो है वो जो फाइल है मेरी वो पीएचपी की है, मैं उसके अंदर इंडेक्स और एचटीएमएल को इंक्लूड करवा देता हूँ। तो एक्चुअली इंडेक्स और एचटीएमएल मेरी सेपरेट पड़ी हुई है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं ताकि नाम का कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। इसको मैं होम कर देता हूँ, और इस इंडेक्स और पीएचपी के अंदर इसको हम होम कर लेते हैं। तो एक्चुअली आपने क्या किया है कि आपने एक तो हिरोको को डॉच दिया, उसे कहा कि मेरे पास कंपोजर और जेसन उसकी रिक्वायरमेंट होती है पीएचपी की, कि मैं पीएचपी को डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, और उसका आपने एक डिफॉल्ट इंडेक्स और पीएचपी के पेज बनाया, और उसके अंदर आपने अपनी एचटीएमएल की फाइल को इंक्लूड करवा लिए। दैट्स इट। गिटहब के ऊपर आए, उसने सारी चेंजेस आपकी वो लॉग कर ली है, फर्स्ट चेंजेस कमिट टू मास्टर करें, पोस्ट रिवीजन करें। ओके, अब नाउ दिस थिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने इसको रिवीजन को पुश किया,
ये आपके गिटहब के जो पेज है आपका, उसके ऊपर आया, उसके ऊपर सारी आपका सर्वर के ऊपर आपकी सारी चेंजेस आ गई हैं, उसमें कंपोजर डॉट जेसन भी है। उसके बाद आपने करना ये है कि हिरोको के ऊपर वापस आए, इसकी एक्टिविटी फीड ओपन करें, ये ऑलरेडी ओपन है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। गिटहब ने ऑटोमेटिकली, चूंकि ये एप्लीकेशन से लिंक हुई हुई है, इसको डिप्लॉय करवाते हैं हम। ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट मैंने शायद इनेबल नहीं की हुई थी, इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज। जैसे ही आप ऑटोमेटिक डिप्लॉयज इनेबल करेंगे, तो जैसे ही आप कमिट किया करेंगे, साथ ही यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी, हम इसको बाद में देखेंगे। डिप्लॉय ब्रांच, मास्टर ब्रांच को आप डिप्लॉय कर दें, ये उसकी आ गई है लॉग फाइल आ गई है, ये एक्टिविटी में भी देखी जा सकती है। अब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक करें, को व्यू करें, आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली वही वाला पेज होगा जो कि आपने अभी क्रिएट किया है। ये इंडेक्स और एचटीएमएल की जगह पे मैंने इसको होम कर दिया था, तो एक्चुअली ये वाला पेज जो है ये आपका ऑनलाइन डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर आ गया, डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने कुछ चेंजेस अगर किए हैं, फॉर एग्जांपल करनी है, तो हमने ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट इनेबल की हुई है, तो मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लॉरम टेक्स्ट का जो ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही आप कमिट करेंगे, मास्टर ब्रांच के हैं, ब्रांचेस डिफरेंट क्रिएट की जा सकती हैं, आपने इसको पुश किया, आपके अंदर जो है वो गिट आपके ऑनलाइन आपके चेंज कमिट आ गई, ये वाली हिरोको ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी एक्टिविटी फीड के अंदर जाए। इनेबल डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हमने इनेबल की हुई है, उसने ऑटोमेटिकली जो है वो इसको डिप्लॉय कर दिया है। जस्ट आप अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आपका जो अपडेटेड एचटीएमएल है, पेज है, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। इस सारे सेटअप का एडवांटेज ये होगा कि आप जस्ट एचटीएमएल के अंदर मॉडिफाई करेंगे, यहां पे आके इसको कमिट करके इसको पब्लिश करेंगे, तो आपकी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट वहां पे आपके सर्वर पे हो जाएगी और आपका जो पेज है वो अपडेटेड फॉर्म के अंदर आएगा। लेट्स होप गाइस कि आप इसको ट्राई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और अपनी एचटीएमएल सीएसएस की जो फाइल्स हैं उनको अब आपने जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आप डिप्लॉय करके डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। इफ यू हैव एनी क्यूरी तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको आंसर करूँ टाइमली। अल्लाह हाफिज़।